आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में बबल सॉर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो अरेंज करना होता है, ये सॉर्टिंग जो है अरेंजिंग होती है आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें जो है पासेज होते हैं, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। तो इसमें नंबर ऑफ इटरेशन एक कम होती है, जो जितना गिवन है नंबर गिवन है उससे एक कम तक जाता है, वो जो है मैक्सिमम पास जा सकता है। तो इसमें अरेंज करने के लिए ये होता है कि एडजेसेंट एलिमेंट दो, अपने एडजेसेंट दो लोकेशन, जैसे अगर 22 और 33 है तो हम इसको जो है पहले चेक करेंगे, और अगर पहले जो है पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा छोटा है तो हम उसको एक्सचेंज करेंगे। अगर पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है तो फिर पहला छोटा है दूसरा बड़ा है तो हम एज इट इज रखेंगे, उसकी नो चेंज होगा उसमें। तो इस प्रकार से हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि सॉर्ट एंड इसमें बबल सॉर्ट में कैसे होगा। तो इसमें जो है सपोज किया कोई एग्जांपल है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं एरे में, इसमें एलिमेंट्स 22, 14, 44, 3 और 66। अब इन 5 एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम जो है पहले जो है फर्स्ट जो है एरे में ये है, तो इसमें 22, 14, 44, 3 और 6। अब हम दो एडजेसेंट फर्स्ट टू एलिमेंट्स को चेक करेंगे, और ये फर्स्ट पास है, फर्स्ट पास चल रहा है, और फर्स्ट पास में हम जो है इनको चेक किया। अब इसमें आप देखो जो है पहला एलिमेंट बड़ा है और दूसरा जो है छोटा है, तो ये एक्सचेंज होगा, ये एलिमेंट जो है एक्सचेंज हो जाएगा अपनी पोजिशन। तो ये इसको हम कहते हैं स्वैप कीजिए, स्वैपिंग। तो स्वैप कर दिया हमने, और स्वैप करने के बाद जो पोजिशन हमारे पास आती है, तो पहला दूसरा वाला एलिमेंट पहली पोजीशन पर आ जाता है और पहली पोजीशन वाला दूसरी पोजीशन पर चला जाता है। इस प्रकार से हो गया, और बाकी एलिमेंट्स है एज इट इज है 3 और 6। अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट को। और सेकेंड थर्ड में हमने देखा इसमें जो है 22 जो है जो सेकेंड पोजीशन वाला एलिमेंट जो है छोटा है और थर्ड वाला बड़ा है, तो इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, स्वैपिंग नहीं होगी इसमें, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे छोटा एलिमेंट है। तो इसको वापस ऐसे लिख दिया हमने 14, 22, 44, 3 और ये 6। अब इसमें 44 और 3 को हम अब करेंगे, तो 3 जो है छोटा है और 44 जो है बड़ा है, तो ये स्वैप होगा, इसमें स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग इसमें करना है, तो 3 जो है 44 वाली पोजीशन पे आ जाएगा, 44 जो है 3 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें जो है 14, 22, 3, 44 और 66। तो फर्स्ट पास में ये इसमें अब 44 और 66 को चेक करेंगे, 44 ऑलरेडी छोटा है तो इसमें नो चेंज होगा, इसमें नो चेंज। तो ये फर्स्ट पास में इतना हो गया, ये जो है इसमें चेंज नहीं आया। तो अब सेकंड पास के लिए अब वापस चालू करेंगे, तो हमारा जो है यही नंबर रहेंगे, और इसको अब सेकंड पास के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहां अब सेकंड पास में फिर एलिमेंट एक सेट हो जाएगा, सेकंड पास, इसमें फिर अगेन 14 और 22 को चेक करेंगे। तो 14, 22 को चेक किया, तो इसमें जो है 14 ऑलरेडी छोटा ही है, 22 बड़ा है और 3, 44 और 66, तो नो चेंज है इसमें, नो चेंज। अब इसको 22 और 3 को चेक किया, तो थर्ड 3 जो है छोटा है और 22 बड़ा है, तो इसको चेंज होगा, स्वैप कर देंगे इसको, इसको जो है आप स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद इसमें ये पोजीशन आ जाएगी हमारी 14, 3, 22, 44 और 66। अब ये इसमें जब चेक करेंगे हम जो है, तो ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि 22 छोटा ही है ऑलरेडी 44 से, तो ये जो है 43, 22 और ये 44, 66। अब 44, 66 है, तो ये जो है एज इट इज रहेगा, क्योंकि 44 छोटा है, तो ये थर्ड पास में ये रहा, इसमें नो चेंज है, इसमें भी नो चेंज है,
और इसमें स्वैप किया। थर्ड पास, थर्ड पास में हम फिर अगेन वही शुरू करेंगे 40 एंड 20। ये लास्ट वाला ये है 40, 3, 22, 44 और 66। अब 3 और 14 को चेक किया तो 3 14 की पोजीशन ले लेगा, स्वैपिंग होगी इसमें, स्वैप, और 22, 44 और 66 ये आ गया। इसी प्रकार 14 और 22 को चेक करेंगे तो यहां पर कोई नहीं है और वो पहले ऑलरेडी इसी तरह अरेंज ही थे, तो आगे कोई नो चेंज है, आगे नो चेंज है क्योंकि ये जो है शॉर्ट हो गए सारे एलिमेंट्स। तो इस प्रकार ये तीन शॉर्ट, तीन जो है पास लगे, तीन पास में ये जो है सारे एलिमेंट्स हमारे शॉर्ट हो गए।